गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वीडियो रहने वाला है कोरियन मूवी मिडनाइट का हिंदी एक्सप्लेनेशन, बिकॉज मैंने ये मूवी कभी देखी है और मैंने सोचा कि चलो इस पर भी हिंदी में रिव्यू बनाते हैं। और अगर आपने ड्रीम का हिंदी एक्सप्लेनेशन चेक नहीं किया तो आप मेरे चैनल पर जाकर प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो शुरू करते हैं मिडनाइट का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो गाइस, ये मूवी कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है। एक फीमेल फोन पे बात करते हुए चलती होती है एक बहुत ही अंधेरे वाली छोटी सी रोड पे। अब वो फीमेल टैक्सी पकड़ने वाली होती है, उतने में कोई दो और लोग आके टैक्सी लेके चले जाते हैं और उसको टैक्सी नहीं मिलती है। तो जब उसको टैक्सी नहीं मिलता है तो वही रास्ते पे आगे चलना स्टार्ट करती है और वो रोड काफी छोटा, एकदम अंधेरे वाला और वहाँ और कोई नहीं होता और कोई टैक्सी वगैरह बिल्कुल नहीं होती है। तो फिर वो जो फीमेल है वो रोड पर चलती ही होती है कि पीछे से एक वैन स्लोली आती है और विंडो खुलती है। उसके अंदर जो मेल बैठा होता है वो उसको बोलता है कि वो वैन में बैठ जाए उसके साथ, वो उसको मेन रोड पर छोड़ देगा। बट वो जो फीमेल होती है वो बोलती है कि वो अननोन मेल्स के वैन में नहीं बैठेगी और वो बोल के अपना डायरेक्शन बदल के सामने वाले रोड पर जाने लगती है। तो जो फीमेल होती है वो सामने वाले रोड पर तो चले जाती है, बट वो जो वैन होती है वो वहीं का वहीं खड़ी होती है और वो जो वैन के अंदर मेल बैठा होता है वो उसे देखता होता है बहुत ही गुस्से वाले रुख के साथ। फिर वो वैन वहीं का वहीं रहती है, फीमेल को कॉल आता होता है, फोन पे बात करते हुए जाती रहती है। वो आगे जाती है, फोन रखती है तो उसको वैन के अंदर से रोने की आवाज में हेल्प मी करके आवाज आती है और वो देखती है कि वैन का दरवाजा खुला हुआ है, पर्पल लाइट चालू है अंदर। तो जैसे ही वैन की तरफ बढ़ती है स्लोली, ऑफकोर्स उसको डर तो लगेगा, उसको डर लग रहा था, वो वैन की तरफ बढ़ती है और जैसे ही थोड़ा अंदर की तरफ टिल्ट होके देखती है उसे मिडल एज मैन की बॉडी दिखती है। बट वो आवाज मिडल एज मेल की बॉडी से नहीं आती है, वो आवाज वही इंसान उसको लिफ्ट देने की बात कर रहा था जो वैन में बैठा था वो निकल रहा था। तो जैसे ही उसको देखती है वो भागने का ट्राई करती है बट वो उसको वैन के अंदर लेके उसका मर्डर कर देता है। तो फिर इसके बाद क्या होता है, क्या लोकेशन चेंज होता है? नहीं, ये स्टोरी वही लोकेशन पे कंटिन्यू होती है। वो बंदा जो मर्डर करता है वही पुलिस को कॉल करके घबरा के बुलाता है कि यहाँ पर किसी फीमेल की बॉडी पड़ी हुई है। तो फिर जैसे ही पुलिस आती है, पुलिस देखती है और पुलिस को दिखता है कि एक और मेल की बॉडी भी पड़ी है और वो ऐसा बिहेव करता है कि वो विटनेस है, उसने बॉडी को देखा है, डिस्कवर किया है और उसने कुछ नहीं किया है। अब पुलिस भी ये फिगर आउट नहीं कर पाती कि वही मर्डरर है। वो कॉप्स को इस हद तक ट्रिक कर लेता है कि वो कॉप्स से ही सिगरेट मांग के पीता है कि एज इफ वो इस सिचुएशन में बहुत घबरा गया है, वो बॉडीज को देख के बहुत घबरा गया है। और जब कॉप्स उससे क्रॉस क्वेश्चन करती है तो वो बोलता है कि उसने फॉरेनर्स को देखा है, यहाँ पर तीन ड्रंक फॉरेनर्स थे जिन लोगों ने इसे स्टैब किया है। बाय द वे, जो मर्डरर होता है जिसका रोल बीहाजुन प्ले कर रहा है इस मूवी में, कैरेक्टर का नाम दूषिक है। क्योंकि मूवी में इंट्रोड्यूस नहीं किया इसलिए मैंने आपको अभी तक बताया नहीं, बट कैरेक्टर का नाम है। तो इसके बाद दूसरे दिन से मेन स्टोरी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमारी फीमेल लीड का इंट्रोडक्शन होता है मूवी में। तो जिन की जू रोल प्ले कर रही है मी क्योंग का इस मूवी में, अ डेफ लेडी, अ डेफ वुमन, जो एक कॉल सेंटर में साइन लैंग्वेज काउंसलर की तरह काम करती होती है। तो गाइस, हमारी जो फीमेल लीड है भले ही वो सुन नहीं पाती है और बोल नहीं पाती है, बट उसे काफी स्मार्ट बताया है और ऐसा बताया है कि वो लिपसिंग पढ़ सकती है लोगों की, जिससे उसे समझ में आता है कि सामने वाला उसके बारे में या फिर किसी के बारे में क्या बात कर रहा है। तो इसके बाद मूवी में दो न्यू कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है, चे सो जंग एंड योंग ताक। तो गाइस, चे सो जंग एंड योंग ताक दोनों ब्रदर एंड सिस्टर होते हैं, इनके पेरेंट्स नहीं होते हैं और स्टोरी यहीं से स्टार्ट होती है। चे सो जंग उस दिन डेट पे जाती होती है और योंग ताक उसे बोलता है कि 10 बजे से पहले घर आ जाना और उससे ज्यादा लेट मत करना, ठीक है। तो स्टोरी आगे बढ़ती है और चे सो जंग डेट पे जाती है। तो फिर यहाँ से स्टोरी वापस आती है हमारी फीमेल लीड मी क्योंग के ऊपर। मी क्योंग अपने मोबाइल में कुछ तो देखती होती है और वहाँ पर रूम में सारे उसके जो कलीग्स होते हैं मी क्योंग के, वो बैठे होते हैं, वहाँ पर डिस्कशन चलता रहता है घूमने का और खाने का। और ऑफकोर्स उसको सुना नहीं देता बट फिर भी उसको समझ में आता है क्या कन्वर्सेशन चल रहा है। तो वो अपने मोबाइल में लिख के अपने कलीग को देती है और वो बोलती है कि ये पढ़ के सुना दो सबको। तो उस मोबाइल में लिखा होता है कि जो डिनर पार्टी होने वाली है कंपनी की वो उसमें जाएगी बिकॉज वो भी एक वर्कर है वहाँ की। तो ठीक है, वो लोग रेडी हो जाते हैं उसको लेके जाने के लिए और फिर वो लोग डिनर पे जाते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, जो डिनर पार्टी में मेल कलीग्स होते हैं वो लोग मी क्योंग के बारे में कुछ भी कमेंट करते हैं कि उसका फेस मेरे टाइप की है या फिर उसकी पर्सनैलिटी मेरे टाइप है। तो उन लोगों को लगता है कि मी क्योंग को कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट मी क्योंग को सब समझ नहीं आता है। इनफैक्ट वो साइन लैंग्वेज में सबको गाली तक मारती है। तो यहाँ से सीन जंप होता है मी क्योंग के मदर के ऊपर, जो खुद भी एक डेफ लेडी होती है, उसको भी सुनाई नहीं देता, वो भी बोल नहीं पाती है। तो वहाँ पर वो काम करती है और पैसा लेती है और वहाँ से हमें पता चलता है कि मी क्योंग की मदर और मी क्योंग दोनों जेजू जाने वाले घूमने के लिए साथ में। तो जब पार्टी खत्म होती है मी क्योंग अपनी मदर को पिकअप करने के लिए आती है, तो लोग कार में बैठते हैं। तो वहाँ पर उनकी कन्वर्सेशन से पता चलता है कि उस टाइम पे जो कन्वर्सेशन चल रही थी कलीग के बीच में वो ट्रिप की भी थी। वो लोग ट्रिप पे शायद जेजू जाने वाले होते हैं। तो मी क्योंग के मामा से पूछती है कि अपन जेजू कब जाने वाले हैं। तो मी क्योंग उसे बोलती है कि वो ऑफिस की तरफ से शायद जेजू जाएगी, बट उसकी मामा बोलती है कि उसको जाने की जरूरत नहीं है, उसके पास बहुत पैसा है, अब वो उसको लेके जा सकती है जेजू। तो यहाँ सीन चेंज होता है और योंग ताक अपने घर आता है तो वो देखता है कि सोजंग अभी तक घर नहीं आई है।
फिर यहाँ से अगेन सीन जंप होता है एक बहुत ही अंधेरे वाले रोड से, जहाँ पर मी क्यांग अपनी मदर को ड्रॉप करती है। वो उसको बोलती है कि वहाँ जाके खड़े रहो, मैं अपनी कार को पार्क करके आती हूँ। और वहाँ पर उसकी मदर को देख लेता है दूषिक। दूषिक अपनी कार में कुछ तो करता होता है, उसकी मदर को अकेले देख लेता है। तो फिर जैसे मी क्यांग अपनी कार लेके जाती है, वो अपनी कार में से वेपन निकालता है उसकी मदर को मर्डर करने के लिए। और उसकी मदर जहाँ जाती रहती है वो उसके पीछे पीछे जाते हैं, और वो उसका फॉलो करता होता है कि उतने में सो जंग उसको पास करती है बाजू में से, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ऑफकोर्स एक रास्ते पे कोई और होगा तो मर्डर क्यों करेगा उसका। और सो जंग फोन पे अपने ब्रदर से बात करती होती है कि वो सुपरमार्केट तक आ गई है, वो आने वाली है। तो फिर उतने में दूषक देखता है कि जो मी क्यांग की मदर है वो काफी आगे निकल गई है, तो वो गुस्से में सो जंग की तरफ भागता है। और उसके बाद सीन चेंज हो जाता है। फिर हमें देखने मिलता है कि मी क्यांग अपनी कार पार्क करती है और पार्किंग लॉट से निकलती है। वहां पर भी लाइट ब्लिंक होती रहती है, एकदम हॉरर का वो बताया सीन बताया वो। बाय द टाइम योंग तक अपने सिस्टर सोजंग को कॉल करने का ट्राई करता है, जिसका मोबाइल सडनली बंद आता है, वो फोन ही नहीं उठाती है। फिर हमें देखने मिलता है कि दोषिक एक एली से निकल के आता है अपनी कार के पास, और वो वापस से मी क्यांग की मदर को देखता है जो वहीं पर एली के कॉर्नर में खड़ी होती है गाइस। और उसकी मदर अपने मोबाइल में फोटोज देखती होती है कि उसको उतने में किसी का धक्का लगता है। और वो धक्का किसका होता है, योंग तक का, जो अपने सिस्टर को ढूंढता होता है। वो पूछता है कि उसने एक यंग लड़ी को देखा है क्या, बट बिकॉज उसकी मदर बोल नहीं पाती है वो वहां से चले जाता है। और जैसे ही योंगता आगे बढ़ता है, दूषिक अपनी कार में कोई सही वेपन ढूंढता होता है उस टाइम पे, बट उतने में मी क्यांग आ जाती है रास्ते में, बिकॉज उसकी मदर वहीं खड़ी होती है। तो जैसे ही वो मी क्यांग को देखता है, वो अपनी कार की लाइट ऑफ कर देता है और एकदम शांति से बैठ जाता है। बट मी क्यांग अपनी मदर की तरफ जाती ही होती है कि उसको एक कॉर्नर के रास्ते में से, अंधेरी वाले गली में से, एक वाइट शूज आता है उसके पैर के पास। और ये सब दूषिक अपनी कार से बैठ के देखता होता है, और वो बोलता है कि अगर वो रास्ते में गई तो वो भी बचेगी नहीं। इतने में ही वो एली से कोई दूसरी चप्पल भी फेंकता है, वाइट वाली। और मी क्यों काफी डरते हुए वो एली में घुसती है, और वो जैसे आगे बढ़ती है दूषिक कार में से एक वेपन निकालता है, और वो भी कार से निकल के वो एली की तरफ बढ़ता है स्पीड में। बट जैसे मी क्यों अंदर जाती है, उसे एक लड़की दिखती है जो बुरी तरह से इंजर्ड होती है, क्योंकि उसके पेट में स्टैब हुआ हुआ होता है, और वो लड़की सोजंग होती है गाइस। तो गाइस जब सोजंग मी क्यांग को देखती है, वो उसको काफी उम्मीदों के नजरों के साथ हेल्प के लिए बोलती है। बट इतने में दूषिक पीछे से आता है और मी क्यांग को जमीन पिन करके बोलता है कि ये तेरे वजह से मरेगी। और दूषिक के हाथ में एक बहुत ही हार्मफुल वेपन होता है, जिससे वो मी क्यांग को मारने वाला होता है। उतने में सोजंग दूषिक को धक्का मारती है और मी क्यांग निकल के बाहर जा पाती है। तो जैसे ही बाहर निकलती है, वो देखती है कि एक साइड एली की उसकी मदर खड़ी है। बिकॉज इस चीज से उसकी मदर हर्ट हो सकती थी, वो दूसरे साइड भागती है रास्ते में। और एक चीज मैं आपको बताना भूल गई गाइस, दूषिक उस टाइम पे मास्क और स्पेक्स पहना होता है, एकदम अपना रूप बदल के वो लोगों पे अटैक करता है। तो गाइस दूसरी साइड मी क्यांग किधर भागती है, दूसरी साइड मी क्यांग पार्किंग लॉट की तरफ भागती है, जहां पर उसकी कार पार्क होती है। काफी बुरी तरह से दूषिक मी क्यांग को चेस करता है उसको मारने के लिए, बट मी क्यांग एनी हाउ अपनी कार तक पहुंचती है। काफी हॉरिफिक सीन है। मी क्यांग अपनी कार का दरवाजा स्लो से खोलती है, वो बैठती है और अपनी मदर को कॉल करके बोलती है कि वो कहीं पर भी ना जाए, वो कार लेके आ रही है। और वो उतने में कट कर देती है, और उसे फ्रीक्वेंसी, उन लोगों की कार में एक फ्रीक्वेंसी का गैजेट लगा होता है जिससे पता चलता है कोई भी आवाज होगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, और वो फ्रीक्वेंसी देखती है कि बढ़ती होती है उस टाइम। तो पीछे के साइड थोड़ा टिल्ट होती है और वो देखती है कि दूषिक हंसते हुए उसे बोलता है कि सो यू आर डेफ। तो जब दूषिक मी क्यांग को कार चलाने के लिए बोलता है, मी क्यांग एकदम स्लो कार चलाती है, बट वो उसको वापस से नाइफ दिखा के धमकी देता है सही से कार चलाने के लिए। तो मी क्यांग एकदम फुल स्पीड में कार लेके जाती है और सामने की वॉल पे कार को क्रैश कर देती है, और एनी हाउ वहां से निकल के भागती है। वापस से दूषिक उसको चेस करता है, बट किसी भी तरीके से मी क्यांग फुल स्पीड में भागती है। उसकी मदर जा खड़ी होती है, क्योंकि वहां पर एक इमरजेंसी बटन होता है। वो जाती है, वो इमरजेंसी बटन प्रेस करती है, और वो बटन प्रेस करते साइरन स्टार्ट हो जाता है और पूरी लाइट हो जाती है। ये देख के दूषिक फौरन अपनी कार में चले जाता है। और गाइस जैसे ही सायरन स्टार्ट होता है, वहां पर सिक्योरिटी की आवाज आती है, जो लोग पूछते होते हैं लोगों से कि क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, प्लीज स्पीक। बट बिकॉज वो लोग बोल नहीं सकते हैं, वो चीज किसी फायदे की नहीं होती है। और इतने में एक बंदा आता है फुल ड्रेसअप होके, और वो और कोई नहीं गाइस, दूषिक रहता है ब्रीफ केस और फुल ड्रेसअप होके आता है वो अपना रूप चेंज करके। उतने में जो सिक्योरिटी होती है, वो लोग बोलते हैं कि वो लोग जहाँ है वहीं रहे, और वो लोग आ रहे हैं। और वो जो मैन ड्रेस होके दूषिक आता है, दूषिक को लोग से बोलता है कि वो अपने सिस्टर को ढूंढ रहा है, क्या आप लोग ने देखा है क्या उसे कहीं। दूषिक फुल स्टोरी बनाता है ये बोल के कि वो अपने सिस्टर से यहाँ पर नियर बाय मिलने वाला था, और वो उसको मिलने नहीं आए अभी तक। तो फिर मी क्यांग उसे लिख के बताती है कि कोई सस्पिशियस मैन देखा है क्या आपने यहाँ पर। तो वो उसको बोलता है कि हाँ, उसने एक मास्क और स्पेक्स में एक मेल को भागते हुए देखा है यहाँ से, मतलब पूरा एड़ा बनाता है उन लोग को। और ये देख के मी क्यांग पूरा ट्रस्ट करके उसको बोलती है कि तेरे सिस्टर हर्ट है और वो एली में है। वो एकदम इमोशनल होके एकदम एड़ा बना के उन लोग को बोलता है कि कौन से रास्ते में प्लीज मुझे लेके चलो। उसकी मदर मना भी करती है, बट उन लोग के पास कोई और चारा नहीं होता। तो वो लोग दूषिक के साथ वो रास्ते में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, और जाते ही जैसे होते हैं उतने में पुलिस आ जाती है। और जैसे ही पुलिस आती है, मी क्यांग और उसकी मदर पुलिस की तरफ भागते हैं, और पुलिस वो जहाँ पर रास्ते में मी क्यांग होती है वहाँ देखते हैं, तो वहाँ कुछ भी नहीं होता है।
तो फिर मी क्योंग पुलिस के साथ पार्किंग लॉट के जो सिक्योरिटी थी वहां जाते हैं चेक करने के लिए कि फुटेज में तो कुछ होगा ना, दूषी उसका पीछा कर रहा था पूरा पार्किंग लॉट में, बट ऐसे भी कोई फुटेज अवेलेबल नहीं होती है। इनफैक्ट उसका जो पर्स वगैरह गिरा होता है उन लोग वो उसको देते हैं कि एज ए उसने कोई मिस्टेक करी हो मी क्योंग ने, और पुलिस को बिल्कुल भी साइन लैंग्वेज नहीं समझने आती है तो वो बिल्कुल भी यूजलेस होता है उन लोग के लिए। तो गाइज उन लोग सिक्योरिटी फुटेज चेक करके नीचे जाते होते हैं लिफ्ट में, और पुलिस उन लोग को बोलता है कि वो नीचे वेट करे। दूसरे मी क्योंग के मदर और मी क्योंग एक लिफ्ट में जब नीचे जाते होते हैं, ये मी क्योंग की मदर मी क्योंग को बोलती है कि ये जो मैन है लिफ्ट में हमारे साथ वो हमें पूरा टाइम देख रहा है बात करते हुए। और तो और मी क्योंग की मदर को ये तक शक होता है कि पहले एकदम घबराया हुआ था और अभी एकदम शांत है, तो यही सब चीजें मी क्योंग को वो बोलती होती है। उतने में दूषिक बोलता है कि वो जो लड़की है जो इंजर्ड लड़की थी वो उसकी सिस्टर नहीं है, और एकदम डराते हुए लोगों को बोलता है कि उसकी सिस्टर को उसको मैसेज आ गया है और वो लड़की जो इंजर्ड थी वो उसकी सिस्टर नहीं है। तो फिर यहाँ से सीन चेंज होता है पुलिस स्टेशन पे, जहाँ पर मी क्योंग बताती होती है कि उसने लड़की को देखा था, उसने क्या पहना था, उसने येलो टॉप और डेनिम शॉर्ट्स पहने हुए थे। और पुलिस वाला पूछता है उससे कि जो अटैकर था जो मर्डरर था उसने क्या पहना था, तो बताती है कि मास्क और स्पेक्स पहना था। तो फिर कॉप्स पूछता है कि उसकी हाइट ऑफ फिजिक्स क्या होगी, बिकॉज फेस तो देखा नहीं है। इसमें दूषिक इंटरफेयर करने का ट्राई करता है, बट कॉप उसको बोलता है कि जब तेरा टेस्टिफाई होगा तू जब बता देना, अभी बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब जब चलता ही रहता है, एक ड्रंक मैन जो दूषिक के बाजू में लेटा रहता है वो उससे बिना वजह का आर्ग्यूमेंट करना स्टार्ट करता है स्लो स्लो। तो फिर दूषिक भी उसके नज़दीक जाके उसको कुछ तो बोलता है और फिर गाली बकता है। इस वजह से वो जो ड्रंक मैन रहता है वो इतना भड़क जाता है कि वो दूषिक के एकदम ऊपर ही चढ़ जाता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, दूषिक के पास एक सेलफोन गिरता है जमीन पे, जो मी क्योंग की मदर बाजू में बैठी होती है वो उठाती है। वो उठाती तो देखती है कि एक वाइट सेलफोन है, और फिर वो लॉक स्क्रीन पे देखती है तो किसी लड़की का पिक रहता है। और वो जैसी लॉक स्क्रीन ओपन होती है दूषिक अपना हाथ मोबाइल के ऊपर रख देता है, वो बोलता है ये मेरा मोबाइल है। बट बाय द टाइम वो ड्रंक मैन इतना वायलेंट हो जाता है और अटैक करना स्टार्ट करता है दूषिक पे, कि जो ऑफिसर मी क्योंग से पूछताछ करता होता है उसे उठ के जाना पड़ता है उन लोगों को छुड़ाने के लिए। फिर वो ड्रंक मैन को घसीट के पुलिस स्टेशन के बाहर लेके जाता है, और जैसे ही पुलिस ऑफिसर बाहर जाता है दूषिक उठ के आता है अपनी जगह से मी क्योंग के पास, और वो जो पेपर में लिखती होती है उसने क्या क्या विटनेस किया, दूषिक उससे पेपर मांगता है चेक करने के लिए। और जैसे ही उसे पेपर मिलता है वो पहली चीज चेक करता है मी क्योंग की पर्सनल डिटेल्स, लाइक उसका नाम और उसका एड्रेस। बाय द टाइम वो डिटेल चेक करता होता है, मी क्योंग की मदर मी क्योंग को बोलती है कि इस मैन के बारे में कुछ तो सस्पिशियस है, इसके पास ब्लैक सेलफोन था बट अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक व्हाइट सेलफोन देखा है और जिसके अंदर लड़की का फोटो है। और इस बात का रियलाइजेशन दूषिक को हो जाता है कि मी क्योंग की मदर और मी क्योंग कुछ तो बात कर रहे हैं उसके पीछे, तो वो लोग से पूछता है कि तुम लोग मेरे बारे में क्या बात कर रहे हो। बट मी क्योंग उसे बोलती है कि इतनी कुछ इंपॉर्टेंट बात नहीं कर रहे हैं। बट दूषिक को ये बात का रियलाइजेशन हो जाता है कि मी क्योंग की मदर को समझ गया है कि शायद वही मर्डरर है। तो मी क्योंग की मदर के पास जाता है, उसके लैब पे अपना बैग रहता है बिकॉज बैग के अंदर काफी वेपन होते हैं, और वो एक वेपन ढूंढ के निकालने वाला होता है कि उतने में एक आदमी चिल्लाते हुए पुलिस स्टेशन के अंदर घुसता है। और वो आदमी कोई और नहीं गाइस, योंगताक रहता है, जो अपने सिस्टर की कंप्लेन लेके आता है पुलिस स्टेशन में। योंगताक पुलिस ऑफिसर को बोलता है कि वो 10 o'clock तक उससे बात कर रहा था, बट उसके सडनली उसका कॉल कट हो गया और फिर वो उसको कॉल नहीं कर पा रहा है, और उसने येलो टॉप पहना था, शॉर्ट्स पहना था और वाइट शूज पहना था। और ये चीज़ सुन के पुलिस ऑफिसर को रियलाइज होता है कि शायद मी क्योंग जिसके बारे में कंप्लेन कर रही है और जो उसने विटनेस किया है वो यही है। तो वो बोलता है कि प्लीज़ आप इन लोगों को फोटो दिखा दो। तो पहला फोटो दूषिक को दिखा देता है, और दूषिक फोटो देख के बोलता है कि मैंने तो नहीं देखा है। फिर वो उसकी मदर को दिखाता है बट वो ठीक से नहीं दिखाता है। फिर वो मी क्योंग को दिखाता है और मी क्योंग पहचान जाती है, और मी क्योंग उसको फटाफट फोन में लिख के बताती है। उतने में ड्रंक मैन वापस से आ जाता है, तो पुलिस ऑफिसर को वापस उसको पकड़ के बाहर लेके जाना पड़ता है। तो बाय द टाइम मी क्योंग उसको फोन में डिटेल्स लिख के बताती होती है कि मी क्योंग की मदर कुछ बोलने वाली होती है, तो दूषिक उसका हाथ पकड़ के उसको बिठा देता है, और वो उसको बोलता है कि अगर तो कुछ बोलेगी तो तेरी डॉटर को मैं मार दूंगा। दूषिक मी क्योंग की मॉम को डराने के लिए उसके लैब पे जो उसके बैग में वेपन भरा हुआ उसका बैग होता है वो रखता है, और एक चाकू निकालता है, और चाकू देख के उसकी मॉम बहुत जोर के चिल्लाती है। तो वो इतनी जोर के चिल्लाती है कि सब पलटते हैं, और दूषिक अटैक करता है योंगताक के ऊपर। जब वो योंगताक के ऊपर अटैक करता है, योंगताक उसको बहुत मारता है। ऑफकोर्स दूषिक से अच्छा फाइटर योंगताक होता है, वो उसको मारता है, और इन दी एंड जो दूषिक के हाथ में छुरी होती है वो भी उसके हाथ में आ जाती है। वो उसके गले पर रख के पूछता है कि मेरी सिस्टर कहाँ है बता, तो वो बोलता है कि तू मुझे मारेगा, जितना मारेगा तेरी सिस्टर उतनी जल्दी मरेगी। इससे मैं पता चलता है कि सिस्टर अभी तक जिंदा है, मरी नहीं है। तो बाय द टाइम जब योंगताक और दूषिक के उसमें फाइटिंग होती रहती है, मी क्योंग और उसकी मदर बाहर भाग के जाते हैं और पुलिस ऑफिसर्स को बुला के अंदर लेके आते हैं। और जब लोग अंदर आते हैं तो लोग देखते हैं कि योंगताक के हाथ में छुरी है और वो दूषिक को मारने का ट्राई कर रहा है। और पुलिस ऑफिसर जैसे ही आते हैं दूषिक एकदम इनोसेंट बन के बोलता है कि प्लीज सेव मी, प्लीज सेव मी, एज इफ योंगताक उस पर अटैक कर रहे फॉर नो रीजन। योंगताक पुलिस ऑफिसर्स को चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि यही वो बंदा है जिसने मेरी सिस्टर को कुछ किया है। बट पुलिस ऑफिसर्स बोलते हैं कि यही तो विटनेस है, इसने कुछ नहीं किया है। और इन दी एंड उन लोग योंगताक को टेज गन पता है जिससे करंट लगता है बॉडी में, वो मारते हैं और योंगताक बेहोश हो जाता है।
तो फिर उसके बाद क्या होता है, पुलिस ऑफिसर्स दूषिक को जाने देते हैं और इनफैक्ट दूषिक से माफी मांगते हैं जो योंगतक ने किया है उसके लिए। और योंगतक बहुत बोलता है उन लोग को होश आने के बाद कि वही बंदा है जिसने कुछ किया है, वो इनोसेंट नहीं है। बट पुलिस ऑफिसर्स ऑफकोर्स नहीं मानते हैं। फिर उसके बाद पुलिस ऑफिसर्स बोलते हैं कि दे विल लुक इनटू दिस मैटर। और फिर मी क्योंग और उसकी मदर जहां रहते हैं उन लोग को वहां छोड़ के उन लोग ढूंढने के लिए निकलते हैं सो जंग को। ये जो इंसिडेंट हुआ है इसके बाद मी क्योंग उसकी मदर बहुत डर जाते हैं। उन लोग अपने घर में रात के टाइम बैठे रहते हैं तो लोग फ्रीक्वेंसी से पता चलता है कि कोई दरवाजा बहुत बुरी तरह से ठोक रहा है और कोई ठोकता रहता है। उन लोग को बहुत डर लगता है, बिल्कुल उन लोग खोलने की हिम्मत नहीं होती है। बट इन दी एंड वो लोग खोलते हैं। तो वो लोग जब दरवाजे खोलते हैं वो लोग देखते हैं कि उसकी मदर की कोई पहचान वाली होती है जो किसी काम की वजह से आती है। तो उसकी मदर और वो दोनों उसके बाद चले जाते हैं बाहर और मी क्योंग घर में अकेली होती है। तो गाइस इसके बाद से मूवी में है लेस वर्ड्स मोर एक्शन, बिकॉज मेन वाला भागम दौड़ी अब से शुरू होगा मूवी में। तो होता यह है कि टाइम पास होता है, थोड़ी देर के बाद दूषिक आता है बाहर। वो स्लो से बाहर से पता नहीं कैसे लॉक खोल लेता है। एड्रेस तो उसको पता ही होता ही है क्योंकि उसने जो पेपर उठाया था उसमें से उसने एड्रेस पढ़ लिया था मी क्योंग का। तो दूषिक पहले चीज ये करता है घर में आके कि वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो रहता है उसको कट करता है, बिकॉज वो ऑन रहेगा तो मी क्योंग को पता चल सकता है कि घर में कोई चल रहा है और घर में कोई मूवमेंट हो रहा है। तो दूषिक अच्छे से उसके घर के अंदर आके राउंड लेता है, यहाँ वहाँ उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अलार्म वगैरह सेट करता है। उसके बाद मी क्योंग जाती है और जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रहता है उसको ऑन करती है और मोबाइल में सोजंग के ब्रदर को टेक्स्ट करती रहती है। उतने में उसको रियलाइज होता है कि पीछे उसकी कोई है और वो जैसे ही पलटती है वो देखती है कि दूषिक उसके ऊपर एक्स से अटैक करता है। तो फिर मी क्योंग थोड़ी झुक जाती है, इसके जैसे एक्स जो रहता है वो टेबल में जाके अटक जाता है और जितने देर में वो एक्स निकाल पाता है मी क्योंग निकल के बेडरूम में जाके लॉक कर लेती है दरवाजा। फिर गाइस यहाँ से एकदम सही वाला टॉम एंड जेरी स्टार्ट होता है मूवी में। फिर आगे क्या होता है, मी क्योंग रूम में जाती है और योंगतक को मैसेज करके बोलती है कि वो मैन दूषिक उसके घर में आ गया है, हेल्प मी। और ये मैसेज योंगतक पढ़ लेता है, दैट मीन्स वो उसको बचाने के लिए आ रहा है। बट बाय दैट टाइम मी क्योंग अपने रूम में एकदम डर के बैठी होती है क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से दरवाजा बैंग करता है दूषिक। बट थोड़ी देर में वो बैंग करना बंद करता है और मी क्योंग को मैसेज आना स्टार्ट होता है उसकी मदर के, और उसकी मदर बोलती है कि दरवाजा खुला क्यों है, इज समवन एट होम। तो उसको लगता है कि उसकी मॉम पे वो अटैक करेगा। ये सोच के मी क्योंग बहुत जल्दी जल्दी में दरवाजा खोलती है कि उसको रियलाइज होता है कि जो मैसेजेस है वो थोड़ी डिफरेंट तरीके से लिखी गई है, उसकी मदर ऐसे मैसेज नहीं लिखती है। और उतने में ही दूषिक को जितना दरवाजा खुला होता है आधा उसमें हाथ घुसाता है और उसको घसीटने का ट्राई करता है। बट एनी हाउ वो वापस से दरवाजा लॉक कर लेती है और फिर दूषिक एक्स से पूरा दरवाजा उसका तोड़ता है। तो मी क्योंग उसकी जो विंडो रहती है उससे जंप मारती है। तो फिर मी क्योंग जंप मारने के बाद बहुत स्पीड में भागती है, पूरे रास्ते में भागती है। उतने में योंगतक मी क्योंग को भागते हुए देख लेता है और वो देखता है कि दूषिक उसके पीछे पीछे भाग रहा है। तो योंगतक भी उनका पीछा करना स्टार्ट करता है क्योंकि उसे मी क्योंग को भी बचाना होता है। और इन दी एंड मी क्योंग भागते भागते एक ऐसी जगह पे आती है जहां से और भागना पॉसिबल ही नहीं है और वहां पर योंगतक भी आ जाता है। तो वहां पर दूषिक योंगतक को ऑफर देता है, या तो तू तेरी सिस्टर को बचा ले या तो तू इसको बचा ले। तो ऑफकोर्स योंगतक अपने सिस्टर को बचाने का ऑप्शन चूज करता है और दूषिक उसे एक एड्रेस सेंड करता है। वो बोलता है कि उसकी सिस्टर वहां है और वो योंगतक को बोलता है कि तू जितना देर करेगा तेरा उतना नुकसान होगा, बिकॉज योर सिस्टर इज डाइंग। उसके पास कोई और चारा नहीं होता, वो भाग के अपने सिस्टर को बचाने के लिए जाता है। बट क्या उसे उसकी सिस्टर मिलती है? नहीं गाइस, दूषिक योंगतक को एड़ा बनाता है। वो उसको मी क्योंग के घर का एड्रेस देता है जहां पर कुछ भी नहीं होता, उसकी सिस्टर को वो अपनी कार में रखा है। तो फिर जैसे ही वो वहां पहुंचता है वो उसको वापस से कॉल करके बोलता है कि मेरी सिस्टर कहां है, मुझे बता वगैरह वगैरह। उतने में दूषिक मी क्योंग को मारने वाला होता है, मी क्योंग वापस उसको धक्का मार के भाग जाती है। और वो भागती होती है कि बीच में दूषिक की कार में से सोजंग जंप मारती है जो कि काफी इंजर्ड होती है। और मी क्योंग उसको लेके वापस एली में जाती है, उसको अपना फोन देती है, उसको बोलती है कि तेरे भाई को कॉल कर, वो तुझे बचाने आएगा। वही टाइम योंगतक और मी क्योंग के मदर मी क्योंग को ढूंढते होते हैं, बिकॉज मी क्योंग की मदर काफी पैनिक करती होती है, ऑफ कोर्स उसकी डॉटर कहीं मिल नहीं रही है। तो फिर मी क्योंग एली से निकलती है और दूषिक को दूसरे साइड डाइवर्ट करने का ट्राई करती है ताकि सोजंग अपने ब्रदर को कॉल कर पाए। और गाइस वो ये चीज करने में सफल होती है। सोजंग मी क्योंग के मोबाइल से अपने ब्रदर को कॉल करती है। तो फिर योंगतक को जब कॉल आता है वो उसकी मदर को बोलता है, मी क्योंग के मदर को, कि तुम्हारी डॉटर का कॉल आ रहा है। और जब वो फोन पर बात करता है तो उसको पता चलता है कि सोजंग है। और सोजंग जब योंगतक से मिलती है वो उसे बताती है कि मी क्योंग सिटी साइड गई है, बिकॉज सिटी साइड में ज्यादा गर्दी होती है, ज्यादा लोग होते हैं। तो मी क्योंग ने सोचा कि वो उसको वहां कुछ नहीं कर पाएगा और वो भागते हुए सिटी साइड जाती है ताकि वो सोजंग और अपनी मदर को बचा पाए। तो होता क्या है, वो जाती तो है सिटी एरिया में बट उसकी कोई हेल्प नहीं करता है, बिकॉज उसके ड्रेस में पूरे ब्लड के छींटे होते हैं, उसके हाथ में एक नाइफ होती है जो अपना डिफेंस के लिए रखती है। तो ये देख के सिटी एरिया के सारे लोग हैं वो लोग डर जाते हैं, बिकॉज उसकी कोई हेल्प नहीं करता। इनफैक्ट वो सबसे बैक करती है हेल्प के लिए तो भी उसकी कोई हेल्प नहीं करता है। और तो और
दूषक वापस एक्टिंग करता है, वो बोलता है कि वो उसकी सिस्टर है और वो खाली थोड़ा ओवर रिएक्ट कर रही है फिलहाल, और वो एकदम इमोशनल ब्लैकमेल करके लोगों को चला चला के बोलता है कि इसको कुछ करो मत, इसको कुछ बोलो मत वगैरह वगैरह। अब बिकॉज वो कुछ बोल नहीं पाती, वो एकदम हेल्पलेस रहती है इस सिचुएशन में। ये बोल के लोग उन लोगों को छोड़ के चले जाते हैं। अगेन दूषक को मीक्यांग मिल जाती है मारने के लिए इजिली। फिर रोड के बीच में मीक्यांग उसको बोलती है कि प्लीज उसको जीने दे, उसको लाइफ में ये करना है, उसको लाइफ में वो करना है। बट दूषक उसकी कुछ नहीं सुनता है, वो उसको वापस से अली में लेके जाता है मारने के लिए। बट इस टाइम योंग तक और उसकी मदर आ जाती है, उसकी मदर दूसरी साइड रहती है, उसको पता नहीं रहता कहाँ है। बट योंग तक को मीक्यांग और दूषक मिल जाते हैं। वहां पर दूषक और योंग तक की काफी फाइटिंग होती है, और फिर योंग तक एकदम बेहोश हो जाता है फाइटिंग में, कि वो जो जमीन पर नाइफ होती है वो मीक्यांग वापस से उठा लेती है और उसके तरफ पॉइंट करती है कि एज इफ वो उसको मारेगी। बट उतने में योंग तक वापस से उठ जाता है, और ये चीज देख के ऑफकोर्स दूषक को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलता है कि मैंने बोला था कि मैं किसी को तो मारूंगा, और वो रोड की तरफ निकलने जाता है मीक्यांग की मदर को मारने के लिए। और ये देख के मीक्यांग रोड पे आती है, तो वो देखती है कि दूषक उसकी मदर तक पहुंच भी गया है। वो उसकी मदर को जाके टॉर्चर ही करता होता है, और ये चीज देख के मीक्यांग दूषक की तरफ फुल स्पीड में आती है मारने के लिए और स्टैप करती है। और जब स्टैप कर देती है तो हमें पता चलता है कि उसने स्टैप किसको किया है। मीक्यांग ने इनफैक्ट अपने आप को स्टैप किया था, और उसके हाथ में जो चाकू थी उसने दूषक के हाथ में वो दे दी थी। और वहां पर जितना भी क्राउड रहता है सबको ये लगता है कि दूषक ने उसको स्टैप किया है, उतने में पुलिस आ जाती है। यस गाइस, इन द एंड दूषक पकड़ा जाता है, उसको गोलियों से मार दिया जाता है फौरन, बिकॉज वो मारने का ट्राई करता है वापिस से मीक्यांग को। तो गाइस इसके बाद वाला सीन जो है वो काफी पीसफुल सीन है। मीक्यांग और उसकी मदर जेजू आइलैंड में मस्त चिल करते होते हैं, और तो और वो लोग की फ्रेंडशिप सो जाऊंगा योंग तक से भी हो जाती है, जो लोग से जेजू में मिलने आते हैं। तो गाइस इसी तरह मूवी एंड होती है। अगर मैं इस मूवी के बारे में बोलने जाऊँ कि कैसी है ये मूवी, तो मेरे हिसाब से काफी एवरेज है। इनफैक्ट मुझे काफी अनवांटेड स्ट्रेची लगी, और काफी चीजें बेतुकी है इस मूवी में। जैसे वो रोड के बीच में बिठा के उसको टॉर्चर कर रहा है, आसपास से लोग जा रहे देख नहीं रहे, ठीक है, भरे हुए रोड के कॉर्नर में उसको लेकर आके मर्डर कर रहा है, इतनी फाइटिंग हुई कांच वाच फोड़ के तो भी लोगों का नजर नहीं जा रहा है, पुलिस एकदम बेवकूफ है, कोई नाइफ लेके अटैक कर रहा है तो भी लोग सीसीटीवी फुटेज चेक नहीं कर रहे। तो ये सब जो पार्ट है इस मूवी के वो काफी बकवास है और हद दर्जे तक झूठ है। तो इस मूवी को लेके मेरे कुछ एवरेज सी फीलिंग है, ज़्यादा अच्छी तो बिल्कुल भी नहीं है, अच्छी भी नहीं है। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। काफ़ी लंबा एक्सप्लेनेशन था, मुझे लगा नहीं था कि इतना लंबा एक्सप्लेनेशन बनेगा इस मूवी का, बट इतना लंबा एक्सप्लेनेशन बन गया है। अगर आपको पसंद आया तो मेक श्योर टू गिव इट अ थम्स अप, और लाइक शेयर एंड कमेंट। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगी। अंटिल दैट टाइम अनयोंग।